कीर्तन का श्री कृष्णदास जी से। श्री कृष्णदास जी का नाम इतना चिर परिचित है कि मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना होगा। आज सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, देश विदेशों में कार्यक्रमों की प्रस्तुति करते हैं, लेकिन आसार बा बेतन जी पर विराजमान श्री नटवर गोपाल जी की हाजिरी में नित्य प्रति आप उपस्थित होते हैं। मैंने बचपन में आपके पिताश्री को भी श्री नटवर गोपाल जी की हवेली में खूब सुना, संभवतः आपके साथ भी खूब हिलन मिलन रहा है। आचार्य चरण श्री ब्रजराज जी की सन्निधि में अनेकों संगीत के कार्यक्रम, कभी परसोत्तम जलोदा जी आते थे तो कभी स्वयं आशा भोसले उनके यहां आती थी, पंडित जसराज हो या दरभंगा घराने के द्रुपदीय हो, आपके यहां कलाकारों का सदैव आश्रय था। शास्त्रों पर भाष्य करें तो रुके नहीं, सवारी करें तो घोड़े पर बैठ करके निकलें, नाव में मनोरथ करें तो आप स्वयं नाव के खेवन हार बन जाएं, अनेकों अनेकों प्रशंसाओं में नतमस्तक होकर ऐसे आचार्य चरणों को मैं नमन करता हूं। उसी भूमि से यह बालक श्री कृष्णदास जी, जो हमारे चिर परिचित नीरज जी से, शास्त्री नीरज पारिक जी से शास्त्रीय संगीत का आपने सहयोग लिया है, कीर्तन की परंपरा में आपका प्राकट्य है। ऐसे परंपरागत कीर्तनकार श्री चंपकलाल जी के पुत्र कृष्णदास जी का भूरी भूरी अभिनंदन है, और बड़े सहज सरल स्वभाव से आपने यह आने को स्वीकार किया। घर से ही बैठकर जुड़ना है, यह प्रोफेशनल है, स्टूडियो से पहले कहीं जाते नहीं है, लेकिन हमारे आग्रह पर आप घर से ही जुड़े हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपनी चिर परिचित शैली में कीर्तनों से आह्लादित करें श्री कृष्णदास जी। प्रथम राग देवांधार ताल तेवरा, राधाष्टमी की बधाई। नागरी रूप निधान प्रगटी, नागरी रूप निधान। श्री गिरिराधरण धीरवर लाड़िलो ललनवर गाय, श्री गिरिराज धरण धीरवर लाड़िलो ललनवर गाय। आनंद की निधि श्री मथुराधीश श्री नटवर लाल श्याम लाल, लाड़िलो ललनवर गाय। ब्रज की जीवन धन लाड़िलो ललनवर गाय। नागरी रूप निधान प्रगति, नागरी रूप निधान, नागरी रूप निधान प्रगति, नागरी जयते
जो परस्वर देख दे देख 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 बुझत जो परस्वर नहीं त्रिभुवन में आन प्रगति नागरी रूप निधान नागरी रूप निधान प्रगति नागरी रूप निधान रूप 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 निधान प्रगति नागरी उपमा को जे जे कहियत उपमा को जे जे कहियत ते शुभ निर्माण उपमा को जे जे कहियत तेजु भये निर्माण तेजु 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 भये निर्माण प्रगति प्रगति नागरी रूप निधान उपमा को जे जे कहियत है तेजु भये निर्माण उपमा को जे जे कहियत है तेजु भये निर्माण कुंभनदास कुंभनदास कुंभनदास
लालगिरी राधे राधे। वाह वाह वाह, बिल्कुल नागरी रूप निधान भी, स्वर निधान भी, कला निधान भी, गुण निधान भी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जैसी छवि जैसे चित्र वैसे ही स्वर और वैसे ही ताल। आनंद कर दियो भैया जी, बहुत आनंद कर दियो आप। अब यही रूप निधान को रास निधान में लेकर के जाओ, रस को प्रकट करो, ऐसो आपसे निवेदन। नंदासी का गाया हुआ बहुत ही मधुर पद, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तक, गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक, देखो देखो री नागर नट। राग रामकली, ताल चौताल। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपीन के मध्य राजे मुकुट लटक, देखो देखो रे नागर नट, देखो देखो रे नागर नट निर्तत राजे मुकुट लटक, देखो देखो रे नागर नट, देखो देखो रे देखो देखो रे देखो देखो रे नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपीन के मध्य राजे मुकुट
लौटे लटक देखो देखो रे नागर काचनी किंकिनी कहती पीता पीने के मध्य राजे मुकुट लटक देखो देखो रे नागर देखो रे नागर निर्दत कालिंदे निर्दत कालिंदे तट निर्दत कालिंदे गोविंद के मध्य राजे मुकुट लटक देखो दे तथे 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 शब्द सकल तदे शब्द सकल पुरवधिरवलेद पग की पटक तदे ते तदे 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 तारादे शब्द सगल घट उरव तिरवले पग की पटक पग की पटक तथे तारादे रास में श्री राधे 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 रास में श्री राधे 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 मुरली में ये Thank you.
वैसे ही गमक में जो लयकारी आपने करी है यह प्रायः लोप हो चुकी है। यह विधा वह विधा आपने जागृत करी है। यहाँ बहुत बहुत आभार आपका, इतनी सहजता से आप यहाँ पधारे और आई एम श्योर कि मेरे साथ जो भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वह सभी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि आप किंचित दो शब्द जो मृदंग वादक हैं आपके साथ में उनके बारे में भी जरूर कहें, क्योंकि वह परोक्ष में तो हैं लेकिन जो संगत आपने करी है वाकई रास की थाप में आनंद आ गया। नच नागरी के रूप में लावण्य प्रकट हो गया और हारमोनियम पर भी जिन्होंने संगत करी है, रामकली के ऐसे स्वर बिल्कुल शुद्ध शास्त्रीय संगीत, दोनों मध्यम दोनों निषादों का वह प्रयोग, आहा आनंद आनंद कर दिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति करी है। दो शब्द आप कहें फिर इस कार्यक्रम में, समय तो आगे बढ़ रहा है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पुनः विराजमान पूज्य आचार्य शिवो धनवत प्रणाम। जो आज वाणी पवित्र हुई और सभी वैष्णव जो विश्व में से अभी श्रवण कर रहे हैं, साथ में पखावज पे संगत की जय भाई वोरा जो कि सुधीर कुमार सक्सेना जी के शागिर्द है और पखावज भी संगत करते हैं और हारमोनियम पर जिन्होंने संगत की है,
जो खुद बांसुरी वादक है, पर आज मैं जो बधाई में झांझ बजा सकूं, इसलिए इन्होंने आज हारमोनियम संगत की, तो उनका भी धन्यवाद। और प्राचीन कीर्तनकारों को सुना है तो हम तो सही में अभी सीख रहे हैं, हम कुछ नहीं है, वाणी पवित्र कर रहे हैं और कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही शब्दों का महत्व हम बढ़ाए और उपज अंग से गाएं तो प्रभु को भी सुनकर आनंद आए, विष्णु को भी सुनकर आनंद आए। बहुत बड़ी बात आपने कही कि उपज अंग से गाएं। हमारे पिताजी भी इसी बात को अक्सर कहते हैं कि रचा हुआ गाना नहीं होता है कीर्तन में, उपज अंग से गाना चाहिए। क्योंकि आज से बहुत साल पहले मेरे दादाजी आदरणीय श्री चंपकलाल छबिलदास नायक और परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री नटो गोपाल जी महाराज, जो इन्होंने तेरी भ्रों की मरोरन थे, शायद अंदाजा 30 से 45 मिनट तक यही पद दोनों की जुगलबंदी में हुआ था और बहुत से प्राचीन वैष्णव और विद्वतगण सब साक्षी थे। तो ऐसे कुछ हम कर सके ऐसी कोशिश कर रहे हैं और सीखते हैं और सीखते रहेंगे। बस यही आचार्य श्री के चरणों में वंदना और अभ्यर्थना और श्री नटवर श्याम प्रभु की कृपा से आज जो मैं गा पाया हूँ, तो सभी वैष्णवों को फिर कभी मिलेंगे। और साहित्य जी आपको कोटि कोटि साधुवाद की ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप समस्त वैष्णव सूची को ये पंचम वेद समान ये जो कीर्तन है उसका रसपान करा रहे हैं, तो सभी और कीर्तनकार वृंद को भी मेरे भगवत स्मरण और सभी वैष्णवों को भगवत स्मरण। शिवल्लभ।